हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपके सामने सानवी है और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक मिक्सिंग बता रही हूँ। त्योहारों के दिन हैं, अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास प्रॉपर एक शेड नहीं होता लिपस्टिक का। कई बार हमारे पास एक शेड होता है लेकिन हमें वो नहीं पसंद, हमें दूसरा चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से हम मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी हमारे पास दो तीन शेड अगर पड़े हैं या चार लिपस्टिक्स पड़ी हैं तो हम दो लिपस्टिक को मिला के कोई ना कोई शेड तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपके सामने लेके आई हूँ वो बहुत ही ट्रेंडी कलर लेके आई हूँ, जो कि मैरून कलर है। और मैरून कलर किसी भी पार्टी फंक्शन में या जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उन फेस्टिवल के ऊपर आपको मैरून कलर की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पास अगर मैरून कलर नहीं है तो आपके पास फ्रेंड्स कॉफ़ी होगा, रेड होगा, मतलब आप मिक्स करके उसको मैरून बना सकते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो यही है कि मैं आपको एक कलर बना के बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा वो कलर लगेगा। मैं खुद बनाती हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेरे पास एक रेड कलर है, ये है मेरे पास, ये एल एटीन का है रेड कलर, बट आप कोई भी रेड कलर ले सकते हैं। तो हमने करना क्या है, पहले हम रेड लगाएंगे। तो मैं अभी डायरेक्टली आपको लगा के दिखा रही हूँ, किसी ब्रश वगैरह से नहीं दिखा रही, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आपको मैं एक मिक्सिंग बता सकूँ। तो इस तरह से मैंने ये रेड कलर जो है सानवी के लिप्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है। फिर मैं आपको अपना भी दिखाऊंगी कि मेरे भी, मैंने खुद भी लगाया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये मैंने रेड कलर लगा दिया, आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कैसा लग रहा है। ये है प्रॉपर रेड कलर, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर लगाना है कॉफ़ी कलर। तो ये मेरे पास एक लिपस्टिक है ब्लैक कॉफ़ी कलर, आपके पास अगर कोई भी कॉफ़ी है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने इसको इस तरह से कॉफ़ी कलर को लगा दिया है, हल्का सा लाइट हो तो चलेगा। मेरा शेड जो है बहुत ही अच्छा शेड है, ब्लैक कॉफी शेड है, तो शेड बहुत सुंदर लगता है ये वाला। तो फ्रेंड्स ये देख लो आप, जो मैंने इसको करा है मिक्स, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ना, बंद करना, मुंह बंद करना, हाँ ऐसे थोड़ा सा हाँ। तो बस, तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको कॉफ़ी लगाया, तो ये यही नहीं ख़त्म होगी मिक्सिंग, ऐसे नहीं करनी। तो जैसे मैंने कॉफ़ी लगा दिया है तो इसके ऊपर हमने दोबारा से रेड करना है, ये कलर दोबारा जाएगा रेड। तो ये मैंने एक बार इसके ऊपर रेड लगा दिया, बंद करो। तो आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर शेड, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ कि ये शेड कैसा लग रहा है। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये मैरून कलर, हाँ बहुत ही प्यारा ये शेड लग रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड बहुत ही अच्छा हम शेड तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपके फेस्टिवल पे ये पक्का काम आने वाली है, क्योंकि कॉफ़ी कलर एक ऐसा कलर है हर एक के पास होता है, और जो रेड कलर है वो भी हर एक के पास होता है। तो रेड और कॉफ़ी को मिला के आप बहुत प्यारा सा मैरून बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस तरह से आप मिक्सिंग सीख सकते हैं। आपके पास तीन चार पांच कलर पड़े हैं, आप अपने हैंड पे, अपनी इस जगह पे, ये इस जगह पे आप मिक्स करके देख सकते हैं, मिक्स करके शेड बना सकते हैं। कोई भी शेड जो आपको अच्छा लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।